फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं, ठीक है। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था, डोर लॉक अलार्म जो आ रहा था तो उसको मैंने ठीक करके दिखाया था आपको। तो उस बार क्या था कि हमारा सिर्फ फ्यूज खराब था अंदर से, तो हमने फ्यूज को डायरेक्ट कर दिया था तो वो चल गया था, ठीक है। बट अभी क्या है फ्रेंड्स, मान लो कि फ्यूज ठीक है आपका और आपका स्विच खराब है, तो आप कैसे पता करेंगे कि स्विच खराब है? और आपको अर्जेंट ही आपको कपड़े धोने हैं, ठीक है, और आपके पास स्विच नहीं है और इलेक्ट्रिशियन को आने में टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा? आपको बाईपास करना होगा डोर लॉक को, ठीक है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि डोर लॉक किस तरीके से बाईपास किया जाता है, ठीक है। बट फ्रेंड्स, कोशिश ये करिएगा कि ज़्यादा दिन तक बाईपास नहीं चलाना है आपको। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो जाए, आपको डोर लॉक लाकर लगाना है उसमें, ताकि कोई और प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो में और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से डोर लॉक को बाईपास फ्रेंड्स, किया सबसे जाता है। पहले इसको हम पावर ऑफ कर देंगे। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये रबड़ इस पे लगी हुई है, ओके। तो इस रबड़ के ऊपर, इसके नीचे एक रिंग सी होती है, देखिए आपको ये दिख रहा है राउंड, इसमें हमें टेस्टर को फंसाना है और फंसाने के बाद हल्का सा इसको नीचे की तरफ डाउन करना है, और डाउन करने के बाद इस तरीके से खींचना है हमें, और आराम से धीरे धीरे करके ये रिंग हमें निकाल लेनी है, ओके। ये रिंग निकाल के हम यहाँ रख देंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको ये दो स्क्रू दिख रहे होंगे, इन दोनों स्क्रूओं को आराम से खोल लेना है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों स्क्रू हम खोल चुके हैं। खोलने के बाद में इस रबड़ को हल्का सा इस तरीके से पीछे की तरफ सरकाना है, ठीक है। और सरकाने के बाद में, ठीक है, अंदर हाथ डाल के हमें ये जो स्विच है इसको ऐसे करके बाहर निकाल लेना है। डोर लॉक निकाल लिया है। डोर लॉक निकालने के बाद में हम इसको आउट कर देंगे इसमें से, ठीक है। ये आउट करने के बाद में फ्रेंड्स, इसको इस तरीके जहां जैसे निकाला है देख लीजिए आप, ओके। इसमें क्या है कि ये इधर वाला 2 नंबर है, फिर 3 है, और फिर लास्ट वाला 1 नंबर है। तो हमें क्या करना होगा, 2 नंबर और 3 नंबर को हमें शॉर्ट करना है आपस में, इससे ये वाला स्विच बाईपास हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये एक इस तरीके का तार हमें ले लेना होगा, ठीक है। तरीके के तार को हमें, देखिए आप, ये 2 नंबर 3 नंबर, 2 और 3, यानी कि ये वाले दोनों हैं, ठीक है। इसमें हमें इसको लगा देना होगा इस तरीके से शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। इस तरीके के तार को हमें, तो फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा करके और इसको वापस से हमें अंदर लगा देना इसमें, ठीक है। और ये इसमें लग जाएगा, ठीक है। अब लगने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसको हमें दोबारा से इसमें वापस से लगा देना है इसको। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इसे हमें लगा देना होगा, ठीक है। बट फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखना होगा, फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप ये वराएं तो उस समय आप इसके प्लग को बाहर निकाल दें, बिजली में लाके ना रखें, ठीक है। इसको अब देख लेते हैं, सही साइड पर नहीं बैठेगा, ठीक है। तो हल्का सा इसको इस साइड पर सरका के ही लगाना है हमें। तो फ्रेंड्स, ये हमने इस तरीके से लगा दिया है, और उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, पहले इस रबड़ को, इस आपको देखिए, ये जो इसकी किनोर दिख रही है, इस वाले किनोर को, रबड़ जो है आपका, ये वाला रबड़ इस पे चढ़ाना है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर पकड़ के खींचेंगे और इसको इसके ऊपर चढ़ा देंगे सभी को, ठीक है। इस तरीके से चढ़ा देंगे इसको, चारों तरफ चढ़ा देना है फ्रेंड्स इसको हमें। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया है इस रबड़ को, ओके। अब हमें ये वाली रिंग लगा देनी है। अब एक बात का ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि रबड़ का जो ये वाला हिस्सा है, स्प्रिंग वाला, ये हमें डोर की तरफ नहीं रखना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कर सकता है डोर लॉक को लगने में। इसको हमें हमेशा नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहले इसको आधे से ज्यादा फंसा लेते हैं इसमें, ठीक ठीक है। इस स्प्रिंग को हमें खींचना है, और खींच के इस रिंग को आगे लेके जाना है,
और आगे ले जा करके हमें इस तरीके से इसको लगा देना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये लग चुका है, ओके आपको दिख रहा होगा ये लग चुका है। तो फ्रेंड्स प्लग लगा के देख लेते हैं, ठीक है, ये हमने चालू कर लिया है, ओके। अभी डोर लॉक आ रहा है, इसको रिसेट पड़ेगा, ठीक है, रिसेट करा से इसको ऑन करते हैं, ओके ऑन कर लिया, ठीक है, ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो डोर अलार्म है ये हट चुका है अभी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं एक दूसरे डोर लॉक को खोल के दिखाता हूँ कि किस हमने ये शॉर्ट क्यों किया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी कन्फर्म होगा कि शॉर्ट से हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। तो फ्रेंड्स मैं आपको बहुत इजी स्टेप में समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग कोई प्रोफेशनल नहीं है, आप घर पे काम करते हैं, तो मैं आपको घर के हिसाब से समझाऊंगा ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, काम आसान तरीके से कर सकें और आपको कोई रिस्क भी नहीं हो, ठीक है, करंट लगने का, ओके। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको दिख रहा है ये हमारा डोर स्विच है, ठीक है, डोर लॉक स्विच है ये, तो इसमें 1, 3, 2 ऐसा लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें 2 और 3 को, इन दोनों को जब शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, तो हमारा जो ये वाला लॉक है ये बाईपास हो जाएगा और हम अपनी मशीन पे काम कर पाएंगे। किसी भी वीडियो को देख करके ऐसे बिलीव नहीं करना है, हो सकता है कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए, इसलिए मैं आपको इसका प्रूफ दे रहा हूँ कि शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और वो बाईपास हो जाएगा। वो कैसे होगा फ्रेंड्स, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, ये 1 नंबर है आपका और ये वाला 3 नंबर है और ये वाला 2 नंबर है। तो इसके अंदर जो सर्किट है फ्रेंड्स वो कैसा है कि यहाँ से न्यूट्रल दिया रखा है हमने, यहाँ से फेस दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है PTC सेंसर। जब यहाँ से न्यूट्रल फेस हम देते हैं इसमें तो वो क्या होता है कि गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद में यहाँ पर जो ये वाली स्ट्रिप लगी हुई है, ये वाली स्ट्रिप जो है कि नीचे की तरफ झुक जाती है और इस 2 नंबर से टच हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा ये 3 नंबर है, 3 नंबर, तो आपको दिख रहा होगा कि ये 3 नंबर और 2 नंबर आपस में शॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जब इससे शॉर्ट रहता है फ्रेंड्स तो ये वाला फेस यहाँ आ जाता है, ओके, और ये फेस फिर यहाँ से आगे, यहाँ से जो एक दूसरा तार लगा हुआ होता है वो PCB में जाके जुड़ा हुआ होता है और वो क्या करता है कि PCP को सिग्नल देता है कि हमारा डोर लॉक लग चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको अप्रूव करने के लिए कि इन दिनों को शॉर्ट करने पे हमारा बाईपास हो जाएगा, मैं आपको ये स्विच खोल के दिखाऊंगा अभी, ठीक है, और तो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये न्यूट्रल जो होता है एक नंबर ये अलग होता है और ये दोनों आपस में हम टच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि स्विच ही इस तरीके का बना हुआ है आपस में कि यहाँ पर टच करने का इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब हम इन दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी PCP खराब नहीं होगी, हमारी मशीन में कोई दिक्कत नहीं आएगी और हम अपना अर्जेंट काम कर सकते हैं, उसके बाद हम स्विच को ला करके लगा लेंगे, ओके। वर्क कैसे करता है ये तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे वर्क करता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो हमारा है ये वाला, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये क्या होता है, बाहर आता है, बाहर आने के बाद में ये इसको आगे की तरफ धक्का देता है। तो देखिए ये जब एक्चुअल कंडीशंस की ये होती है नॉर्मल वाली, ठीक है, यहाँ पे पूरा होल है, ठीक है, लेकिन जब इसको ये धक्का देता है आकर के तो ये आगे सरक जाता है, और आगे सरकता है तो क्या होता है जो उसमें डोर में जो एक ऐसा एल्सा बना हुआ है इसमें वो फंस जाता है, उसकी वजह से वो लॉक हो जाता है और खुलता नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब ये वापस पीछे जाता है तो ये स्प्रिंग होती है इसमें, तो ये स्प्रिंग इसको क्या करती है पीछे की तरफ धक्का देती है और ये वापस ही अपनी जगह पर आ जाता है और डोर ओपन हो जाता है, ठीक है, और जब ये वापस बाहर आता है तो ये करके लॉक लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लॉक लगता है और खुलता है, ठीक है, तो ये तो इसका प्रोसेस हुआ फ्रेंड्स। वीडियो में आ गए और हम इसको खोल के देखते हैं, इसको खोलना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, देखिए ये वाले साइड्स को नहीं छेड़ना है अभी, ओके, आपको सबसे पहले क्या करना है, इधर वाली साइड को छेड़ना है, ठीक है, ये वाले लंबी वाली साइड को, तो उसको क्या करना है फ्रेंड्स, हल्का सा यहाँ पर ऐसे करके ऊपर की तरफ पुश कर देना है ताकि ब्लैक वाला हिस्सा हट जाए इसमें से, ठीक है, और उसके बाद फिर इधर वाला हिस्सा करना है, ठीक है, ताकि ब्लैक वाला हिस्सा हट जाए, ओके, और उसी तरीके से इधर भी करना है हमें, ठीक है, ये हट जाए, ओके, और उसके बाद ये वाला भी हट जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हट गया है फ्रेंड्स, तो ये जो नीचे ब्लैक वाला है ये हमारा हट जाएगा, ओके, और इसको हम उठा के रख देंगे, ठीक है, की तरफ आता है फ्रेंड्स, तो ऊपर के जो दोनों टर्मिनल हैं 3 नंबर और 2 नंबर ये आपस में टच हो जाते हैं। अब वो कैसे होते हैं मैं आपको अभी इसको भी खोल के दिखाता हूँ, ठीक है, उसी तरीके से इधर भी हम उठा लेंगे इसको ऐसे ही,
तो ये इस तरीके से देखिए फ्रेंड, ये खुल गया है, ठीक है। ये इधर का लॉक दोबारा लग गया है, इसको दोबारा खोल दीजिए, ये खुल गया है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये क्लियरली दिख रहा होगा, ओके। इसमें क्या था फ्रेंड्स, देखिए ये एक नंबर है आपका, ठीक है। अब एक नंबर जो है ये नीचे से जा कर के है, यहाँ पे नीचे सेंसर में लगा हुआ है, ठीक है, पीटी सेंसर में, ओके। और ये जो तीन नंबर है स्ट्रिप, ये तीन नंबर स्ट्रिप पूरी ऐसे करके ये इस पे है, ठीक है। और ये दो नंबर वाली जो है वो देखिए यहाँ से जा कर के और यहाँ पर है। तो जब ये ऐसे करके नीचे जाता है फ्रेंड्स ये, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे दो नंबर को टच करता है, यानी कि दो नंबर और तीन नंबर आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्लियर दिख रहा है आपको। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि यहाँ पे पीछे एक ये गोल गोल सा लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है कि गर्म होता है, तो ये स्ट्रिप को क्या करता है कि झुकाता है, ठीक है। तो झुकाने से क्या होता है कि ये वाला चीज़ नीचे जाकर टच हो जाता है। और ये टच होने से क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जब ये इसमें जब ये टच होता है, तो ये वाला हिस्सा बाहर आता है, ठीक है। वापिस दिखाऊँ मैं आपको, देखिए ये वाला हिस्सा बाहर आ जाता है और ये इससे टच हो जाता है, ओके। यहाँ पे इसमें टच हो जाता है, ठीक है। तो इसके टच होने से क्या होता है कि यहाँ वाली जो तीन नंबर वाली सप्लाई दो नंबर में टच होते हुए पीसीपी को जाती है और पीसीपी को ये सिग्नल देती है कि डोर लॉक लग चुका है। ये आगे जाते ही डोर लग जाता है आपको, ठीक है। इसमें दो तार होते हैं, ओके। इन दो तारों को वहां लगा देना है और यहाँ से एक तार को बीच में से हल्का सा यहाँ से काट लेना है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स, जो आप काट रहे हो ये न्यूट्रल होना चाहिए, ताकि आप लोगों को करंट लगने का कोई डर नहीं रहे, ठीक है। इसलिए मैं न्यूट्रल पे आपको ये एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को करंट नहीं लगे, इसलिए ओके। इन दोनों को खोल करके, ठीक है, इन दोनों को खोल करके हमें सिंपल बल्ब है फ्रेंड्स, ठीक है। इस ये बल्ब का एक तार हमने काट लिया है यहाँ से, ओके। काटने के बाद में हम इसको लगा रहे हैं, कहाँ कहाँ लगाना है हमें लगाना है फ्रेंड्स, दो नंबर और तीन नंबर पे। तो जल्दी से हम इसको लगा लेते हैं। तो हमने दो नंबर पे लगा दिया है, फ्रेंड्स हमने देखिए दो नंबर और तीन नंबर में हमने लगा लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सप्लाई देनी है इसमें। ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो तार हमने काट के यहाँ जोड़ रहा है, इसमें न्यूट्रल आना चाहिए और उसमें फेस जाना चाहिए, ताकि आपको करंट ना लगे, ओके। तो फ्रेंड्स मैं सप्लाई दे चुका हूँ बल्ब, ये आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। ये फेस है और ये न्यूट्रल है पीला वाला, ओके। तो इसमें करंट आ चुका है, अब हमें क्या करना है। तो फ्रेंड जैसे ही ये गर्म होगा, तो ये नीचे की तरफ जाएगा और ये इसमें टच हो जाएगा दो नंबर में, तो हमारा बल्ब जल जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे, ओके, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे ही सप्लाई जाएगी और ये हीट होगा, इसको डाउन करेगा और ये जल जाएगा, ठीक है। और हमने तार किस किस में लगा रखा है, दो नंबर और तीन नंबर में, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों को शॉर्ट करने पर क्या होगा कि हमारी ये बाईपास हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये आपका सिस्टम काम नहीं करता है, ये इसे टच नहीं होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, बाहर से डायरेक्टली इसको इस तरीके से सप्लाई देते हैं, तो पीसीपी में करंट पहुंच जाता है। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसको बाईपास कैसे करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे ही बाईपास करना है, ये पीसीपी का वायर है, इसको सप्लाई जाना जरूरी है, तभी इसको पता लगेगा कि लॉक लग चुका है। तो हमें क्या करना होगा, इस वाले से शॉर्ट कर देना होगा, ठीक है। और इसको शॉर्ट करते ही आगे सप्लाई चली जाएगी और हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा और हमारा मशीन काम करने लग जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा कि बाईपास करने के लिए मैंने दो नंबर और तीन नंबर को क्यों शॉर्ट किया है। इसीलिए फ्रेंड्स ये वीडियो तो छोटी सी हो सकती थी, खाली मुझे सिर्फ ये दिखाना था कि दो नंबर और तीन नंबर को शॉर्ट करना है और आपका मशीन चल जाएगा। बट क्यों करना है, उसको करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कहीं पीसीबी खराब तो नहीं हो जाएगा, इसके लिए मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट पूरा करके दिखाया कि स्विच में ही उन दोनों को शॉर्ट करने का सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, तभी सर्किट पूरा होता है, इसलिए मैंने शॉर्ट किया। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और मिल सके। थैंक यू।